सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह गुर्जर का नमस्कार। आज हम नई ऊर्जा के साथ त्रिकोणमिति के दूसरे अध्याय जो कि अध्याय है हमारा सातवां, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने कल भी हमारा जो लेशन था, हमारा जो कालांश था, उसमें हमने इस पाठ पर चर्चा की। वहां पर भी मैंने छह सूत्रों के रूप में हम इस सर्व समीकरणों को समझते हैं और इन सर्व समीकरणों के आधार पर ही हमको क्या करने थे, सवाल हल करने थे। प्रश्नावली 7.2 की ओर बढ़े हम सबसे पहले 7.1 के पहले, क्योंकि ये बहुत इजी तरीके के हैं और आपको परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। इस कालांश को, इस पीरियड को शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे कि उनको इस जो लॉकडाउन वाला पीरियड है, जो हमारा छुट्टी वाला पीरियड है, उसमें बच्चे गणित को ज्यादा से ज्यादा सीख सके। अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 5-4 तक में मेरे पूर्व जो मेरा जो वीडियो था उस पर मैं चर्चा कर चुका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 10, 12, cot 38, cot 52, cot 60 और tan 78। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बड़े सावधानी के साथ हमको हल करना है। आपको पता है यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, ना जोड़ है ना बाकी है, क्या है ये, कुछ समझ नहीं आता। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता तो आप इसको गुणा समझे और गुणा समझते हुए इसको हल करना है। देखिए, चाहो तो आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको और इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारणी में आपको पता है इसका मान होता है और हम इसका मान आसानी से जानते हैं सारणी से। तब इसको हल करते हैं। हम हल करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 10, 12 degree, cot 38, इन दोनों का एजिटीज लिख दिया। अब मैंने इसको चेंज कर रहा हूँ। मैं आपके पास ये फॉर्मूला है, ये जिसको सर्व से लिखा कोट नफा माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मैंने देखो यहाँ पर लिखा कोट नफा माइनस, कितना घटाए नफा में से कि 52 हो जाए, तो आप सीधा यहाँ से ले लो कितना 38, यानी आपने 90 डिग्री में से आपको घटाना है 38, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 52 प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए आगे कोट 60 का मान तो सारणी में है ऐसे एज इट इज, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 90 में से कितना घटाएंगे 78 हो जाए, तो आप कह दोगे सर 12 घटा देते हैं, 90 में से 12 गया तो कितना बचा 78। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस 52 को थोड़ा घुमा के लिख दिया। घुमाने का मतलब जैसे मैंने इस कान को इधर से पकड़ा और अब मैं इस कान को इधर से पकड़ लूं, बस इतना सा मैंने काम किया है। ये 90 में से 38 गए तो कितने बचे 52, इधर 90 में से 12 गए तो कितने बचे 78, ये काम मैंने यहां पर किया। अब देखिए 10, 12 cot 38, इसको क्या लिख सकते हैं अपने पास, ये सर्व समीकरण है 4 नंबर की सूत्र के रूप में, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। थीटा का मान कितना दे रखा है 38, तो यहां पर लिख दिया मैंने टेन अड़तीस लिख दिया। इसके बाद में आपके पास cot 60 है ही, इसके बाद में 10 90 माइनस 12, इसको क्या लिख सकते हैं, ये रहा 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, इस और थीटा का मान कितना है यहाँ पर 12 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे cot 12 डिग्री आपने लिख दिया। लिखने के बाद में हम आपको बता tan किसका उल्टा होता है, मैंने बता रखा है आपको 6 सूत्रों में, शुरू में आपको मैंने बताया था कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, जो मैंने मेरे फर्स्ट लेसन में आपको इनके बारे में पूरी जानकारी दी थी। अब tan थीटा, थीटा की जगह कितना आ गया 12, तो 1/cot थीटा, थीटा की जगह कितना लिखना है मुझे 12, यहां पर लिख दिया मैंने 1/cot 12। फिर ये cot 38 है, इसको क्या लिख सकता हूं, 1/tan 38, क्योंकि ये आ रहा है आपके पास फॉर्मूला tan 38, तो आपके पास इसे एज इट इज रहने दो, इंटू cot 60 को एज इट इज रहने दो, इंटू cot 12 को एज इट इज रहने दो,
कोटबारा से कोटबारा फिनिश, 10:38 से 10:38 कट गया, बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास कोट 60। अब कोट 60 का मान आपको किससे देखना है, सारणी से, और इसका मान होता है कितना होता है, इसका मान होता है 1/√3। यही इसका क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है, बहुत इजी प्रश्न है ये। पांचवें में दो सवाल है, ये पहला था, दूसरा एक और है, दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। एक सवाल इसका एग्जाम्पल में है, ये दोनों सवालों को और एक एग्जाम्पल वाले सवाल को आपको बहुत अच्छे से करना, परीक्षा में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमने अगला प्रश्न लिया क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा, निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कुल मिला के बात यह है, इन दोनों प्रश्नों में आपको 45 डिग्री से छोटी डिजिट लानी है कोण की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन 6 सर्वसमीकरणों का उपयोग करेंगे। अब देखिए अपर में यह मैं लिखा, मैंने हल साइन 90 में से कितना घटा दू कि 81 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 90 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। प्लस साइन, अब 90 में से कितना घटाए 71 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 19 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। अब आपको जब एक नंबर की जो मैंने सर्वसमीकरण लिख रखी है, तो वो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा है, यहाँ पर लिखा कोस थीटा की जगह कितना 9, तो ये 9 डिग्री। प्लस साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, वही पहला वाला सूत्र, कोस और थीटा का मान कितना 19। यही क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ये छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। नीचे वाला देखिए, अब आ गया नीचे 10:68 प्लस 6:68, आप लिखेंगे यहां पर हल, हल लिखकर आप लिखोगे 10 90 में से घटाना है, 90 में से कितना घटा दे कि 68 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 90 में से घटाने के लिए हमारे पास जो डिजिट होगी वो डिजिट कितनी होगी, 22, क्योंकि 90 में से 22 गया तो कितना बचेगा 68, ये 22 आ गया। प्लस अब यहां पर देखिए सेक, 90 में से कितना घटाएंगे 68 आ जाए, वो 22। 10 का फॉर्मूला आपके पास ये रहा सर्वसमीकरण के रूप में, 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, यहाँ पर लिख दिया कोट थीटा की जगह कितना लिखा 22। सेक 90 माइनस 22, सेक वाला है पांचवें नंबर का फॉर्मूला, इसमें क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा की जगह कितना दे रखा 22 डिग्री दे रखा है, 22 डिग्री। यही क्या गया आपके पास आंसर। यानी बहुत छोटे छोटे प्रश्न है बदस्तूर, आपको इनका इन 6 जो सर्वसमीकरण है इनका उपयोग करना आपको आ जाए अच्छे से, तो आप इन सवालों को बहुत सुंदर तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए साइन 65 प्लस कोस 25 इज इक्वल टू 2 कोस 25 डिग्री। आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो LHS वाला पक्ष है इसको लेके चलना है, अपन को क्या लाना है, 2 कोस 25 डिग्री लाना है। इसके लिए आप सबसे पहले वही काम करेंगे, LHS लिखा हमने, LHS में साइन 65 प्लस कोस 25 डिग्री लिखा। अब कोस 25 ही लाना है तो इसको तो ऐसे कैसे रखा रहने देंगे हम, और इस पे बात करते हैं। यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन 90 में से कितना घटाऊं कि 65 आ जाए, तो 90 में से अगर 25 घटा देता हूं तो कितना आता है, 65 आता है, प्लस कोस 25। अब ध्यान दें इधर, साइन 90 माइनस थीटा पहला वाला फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 25, तो क्या आ जाएगा कोस 25, यहां पर आ गया कोस 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, कोस 25 डिग्री कोस 25 डिग्री, बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 कोस 25। ये क्या लिया है आप, RHS, अतः LHS बराबर RHS। इस तरीके से आप बहुत सुंदर तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न है, 6 सूत्रों का 6 सर्वसमीकरणों का मैं बार बार उपयोग कर रहा हूँ प्रश्नावली के अंदर, और आप अगर इनका उपयोग सीख गए तो ये आपकी प्रश्नावली 7.2 आपके ऊपर वाली जेब में आ जाएगी, ये पक्का मान के चले। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न लिया क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं इसको बिना हल किए आपके द्वारा ही पूछ रहा हूं। मैंने एक बालक से कहा बता बेटा इसका इसका क्या मान होगा, आप बता दो। सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया और 1 के अंदर आपने इसका पूरे का मान कितना निकाला था, 1 निकाला था, क्योंकि साइन और कोस के रूप में मैंने आपको बताया था दोनों में। फिर इधर देखिए ये भी कोस और साइन में है और कोस और साइन में दोनों का जोड़ 90 के बराबर है, तो ये 1 ये 1 1 और 1 कितना हो गया 2। चलो आधी टेंशन तो हमारी दूर हुई। फिर तीसरे बच्चे ने कहा गुरु जी आगे तो मैं सीख गया कैसे, साइन 30 का मान आपने सारणी में बताया, साइन 30 का मान होता है 1/2 और 1/2 का वर्ग 1/4, अब 4 से ये 2 बार कट गए 8, तो ये 2 था और ये 2 था, ये तो मामला ही 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया। इस तरीके से बच्चों ने मुझे आसानी से प्रश्नों का आप लोगों ने जवाब दिया और बहुत सुंदर प्रश्न है। चलो इसको शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए आप चाहो तो ऊपर वाले बदल लो, आप चाहो तो नीचे वाले बदल लो, आपकी मर्जी पड़े जिससे बदल लो। चलो ऊपर वाला बदलता हूं मैं, हल यहां पर देखो लिखा मैंने कोस 90 में से कितना घटाएंगे 70 आ जाए, नीचे वाला लिख दो 20 आंख मीच के, नीचे लिखा मैंने साइन 20 प्लस ऊपर लिख दो कोस 90 माइनस 59 आना चाहिए 90 में से घटाने के बाद में, तो कितना घटाए 31 बटा साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा नंबर 2 वाला जो सर्व सभी का आपके पास लिखी रखी हुई है उसका उपयोग करेंगे। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है और साइन थीटा, थीटा का मान कितना 20, तो यहां पर 20 हो जाएगा 90 माइनस 20, तो ये थीटा की जगह क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा साइन 20 हो गया डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस ये भी साइन 31 डिग्री बटा साइन 31 माइनस ये आ गया देखो 8 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, इसको भाग लगाएंगे एक बार जाएगा 1 आएगा प्लस इन दोनों को भाग लगाएंगे साइन 31 में साइन 31 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा माइनस ये कितना है 2 है, 1 और 1 2 माइनस 2 बराबर 0, यही इसका क्या आ गया प्यारे बच्चों आंसर आ गया। यानी प्रश्न नंबर 1 में ये पहला टुकड़ा हल किया था, प्रश्न नंबर 3-4 में दोनों टुकड़ों को एक साथ हल किया है और प्रश्न आगे में देखिए आप इसमें साथी प्रश्नावली का भी सारणी का उपयोग हो गया। इसी तरह मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एक प्रश्नावली का लिंक अगली प्रश्नावली से, अगली का उससे अगली से, अगली का उससे अगली से, ये तीनों प्रश्नावलियों का जुड़ाव एक साथ है। आप ये नहीं समझे सारणी वहां 6 प्रश्नावली में हो गई तो 7 में नहीं आएगी, 8 में नहीं आएगी, वो आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न 14वें नंबर का प्रश्न है, इसमें दे रखा है सिद्ध करना आपको कि जो बायां पक्ष दे रखा है यानी जो एनएचएस दे रखा है उसको आरएचएस के बराबर लाना है। तो देखिए यहां पर दे रखा है एलएचएस वाला पक्ष मैंने एजीटीज उतार दिया दूसरी लाइन में, अब मैं यहां से हल कर रहा हूं इसको। साइन थीटा हो गया, कोस 90 माइनस थीटा 2 नंबर की जो सर्व समीकरण से मैंने साइन थीटा होता है मैंने साइन थीटा रख दिया इसका मान, फिर ये कोस थीटा एज इट इज रखा, फिर कोस थीटा मैंने एज इट इज रखा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है नंबर 1 वाले फॉर्मूले से, फिर इसके बाद में देखो साइन थीटा एज इट इज रख दिया, याद तक मैंने किया साइन को साइन थीटा से साइन थीटा को गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा आया, कोस थीटा लिख दिया, कोसेक थीटा का मैंने बताया था कोसेक थीटा बराबर होता है 1/ साइन थीटा, इसका प्रयोग मैंने कहां पर कर दिया यहां पर कर दिया, ये सीधा सीधा यहां पर हो गया नीचे। अब देखिए यहां पर कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा इज इट इज आ गया, सेक मैंने आपको बता रखा था कि सेक थीटा बराबर होता है 1/ कोस थीटा, ये 1/ कोस थीटा इसका उपयोग मैंने यहां पर कर लिया क्योंकि सेक थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/ कोस थीटा लिख दिया। अब देखिए आगे ये साइन हुआ पर उल्टा होके जब ऊपर जाएगा, जब भाग वाला मैंने बताया था आपको कि संख्याएं बदल जाती है
जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो साइन थीटा ऊपर चले गया, और साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और कोस थीटा इज इट इज इसके पास। इसी तरह कोस ऊपर गया तो कोस स्क्वायर से कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया, कोस क्यूब थीटा। क्या बच रहा है, कोस थीटा या कोस, सॉरी क्या बच रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा आ गया। अब इन दोनों में से आपको ढूंढना है कॉमन क्या आ रहा है। ये देखो कोस है, सिंगल घात एक घात वाला ही कोस है, इधर एक घात वाला है साइन है, तो आप साइन और कोस को क्या ले लिया, आपने कॉमन ले लिया, तो ये तो निकल गया बाहर। ये तीन घात वाला था तो एक घात बाहर निकल गई, तो कितनी घात बची, दो। इधर से तो साइन साइन स्क्वायर थीटा बचा, इधर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखो साइन तो बाहर निकल ही रहा है, कोस क्यूब में से एक कोस बाहर निकल गया तो कोस स्क्वायर बचा। अब देखिए आप इसका मान, आपको मैंने वहां पर सूत्र लिखवाए थे वर्ग वाले तीन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये वन हो गया, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। इस तरह हमने RHS प्राप्त किया, तो LHS बराबर RHS, और हम लिख देंगे हेंस प्रूफ या इति सिद्धम। बहुत इजी सवाल है, आप कोशिश करें, और कोशिश करोगे ना तो आप सवाल को बहुत जल्दी, और आपका सवाल गलत होगा ही नहीं, ये निश्चित तौर पे मान के चलना। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 16 है, और प्रश्न नंबर 18 है। ये तीनों प्रश्न एक ही पैटर्न के हैं, पूछे गए परीक्षा में, आरपीएससी के एग्जाम में पूछे गए, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए, आपके कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए, तो जो कॉम्पिटिटिव वाले जो मेरे साथी इसको देख रहे हैं, साथी विद्यार्थी जो मेरे को देख इस पीरियड को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है, तो इस पर विशेष ध्यान देना। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हल साइन तीन थीटा बराबर आ गया कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब मुझे इसको मत इसको चेंज नहीं करें, अपन तो इसी पे बात करते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो आपके पास है कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, जानते हो आप। अब मैं देखो इसको क्या लिख रहा हूं, कोस 90 माइनस 3 थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं इसको, साइन 3 थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इस साइन 3 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस 3 थीटा। इस साइन 3 थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब कोस से कोस हटा दिया हमने, क्या बचा, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। अब थीटा थीटा एक तरफ, बिना जिसके साथ थीटा नहीं है उसको एक तरफ ले चलो, माइनस 3 थीटा, ये थीटा इधर आया तो माइनस का थीटा, माइनस का 6, ये छिन्न में इधर गया तो माइनस का छिन्न हो गया, और माइनस का 90 हो गया, 90 गया इधर तो किसका हो गया, माइनस का 90 हो गया। अभी आ गया देखो, माइनस 3 थीटा और थीटा कितना हो गया, माइनस का 4 थीटा बराबर, ये 90 में 6 जोड़ा तो माइनस का 96 आ गया, देन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 96 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देन थीटा इज इक्वल टू 4 × 8 और 4 × 16, ये कितने डिग्री का निकल गया मान, थीटा का 24 डिग्री का निकल गया। इसी तरह प्रश्न नंबर 18 पे आ जाओ, यहां पर मैंने लिखा कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा। अब ये नहीं, मैंने इधर वाला बदला है, आप चाहो तो इधर वाला बदल सकते हैं, आप इधर वाला बदल सकते हो, इधर वाला बदल सकते हैं, चलो आपके इस पे बात कर लेते हैं, नहीं इस पे तो अभी साइन वाले पे बात की ना, कोस वाले पे बात कर लेते हैं। लो कोस का क्या होता है सूत्र, पहला वाले आप लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और यहां पर थीटा का मान कितना है, 2 थीटा है, यहां पर मैंने लिखा साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर क्या आ गया आपके पास, कोस 2 थीटा। ये मैंने जो सर्वसमीकरण थी उसका उपयोग करते हुए मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड यानी इसको थोड़ा सा सरल बनाया है। अब कोस 2 थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बच्चे ने कहा नहीं नहीं क्यों नहीं लिख सकते गुरुजी, आप तो लिखो, मैंने इसको लिखना प्रारंभ किया, इस कोस 2 थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। लो भाई साहब, ये साइन से साइन बचा क्या, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा,
थीटा थीटा एक तरफ और बिना थीटा एक तरफ, इसको इधर ले चलो, ये आ गया 90 बराबर 4 थीटा प्लस 2 थीटा, देन 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 थीटा, और ये देखो 6 चले गए बटे में, तो थीटा बराबर 90 बटा 6, ये आ गया देखो 6 एकम 6, कितना बचा 6 से 7 8 9 तीन बचे, 30 हो गए, 6 पंजू का 30, तो थीटा का मान आपने कितना निकाल लिया प्यारे बच्चों, 15 डिग्री निकाल लिया। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को करें, ये आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, आपके एचएम वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में तो पूछते ही पूछते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सरल तरीके से इसको हल करें। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, अब किसी त्रिभुज के अंतःकोण आप जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं त्रिभुज के जो प्रॉपर्टी उसके गुणधर्म होते हैं उससे, तो सिद्ध करो टेन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोट ए बटा 2। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लो भाई त्रिभुज के तीनों कोण कौन से होंगे, कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब क्या किया, ये क्या है समीकरण है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब देखिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो समान संख्या से गुणा कर दो या समान संख्या को बात कर सकते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका। मैंने यहां पर क्या किया कि बाएं और दाएं दोनों पक्षों को दो दो से क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, तो ए में भी 2 का भाग लगा, बी में भी 2 का भाग लगा, सी में भी 2 का भाग लगा, 180 में भी 2 का भाग लगा। अब इन दोनों को मैंने जोड़े के रूप में लिख लिया, ए बटा 2 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस ए बटा 2, ये ए बटा 2 उधर चले गया तो 90 माइनस ए बटा 2। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ 10 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए टेन बी प्लस सी बटा 2, टेन बी प्लस सी बटा 2 इसको तो एज इट इज लिख दिया, फिर आप जानते हो टेन 90 माइनस ए बटा 2, अब ये थीटा की जगह क्या दे दिया उसने, ए बटा 2। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है ए बटा 2, यहां पर आ गया कोट ए बटा 2। इस तरीके से हमने इस सवाल को किया, बहुत इजी सवाल था, कुछ भी नहीं है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ उसमें दे रखा है, हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, दोनों में 2 2 का क्या लगा दो, भाग लगा दो। जब दोनों में 2 2 का भाग लगाओगे तो अपने क्या है मतलब की चीज ढूंढोगे, ये एलएचएस साइड क्या रखना, बी प्लस सी बटा 2, तो बी प्लस सी को तो इधर रहने दो, ए का उधर ट्रांसफर कर दो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो, और आपका जो 10 का फॉर्मूला का उपयोग किया, और आप इसको आसानी से सिद्ध कर चुके होंगे। जब तक आपने इस प्रश्नावली को बड़े गौर से समझा, आप निश्चित मान के चले परीक्षा में निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपके साथ निरंतर बातें कर रहा हूं और निरंतर आपको समझाता हूं कि आप विद्यार्थी हैं, आप ही क्या, जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो सब विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं तभी पढ़ते हैं और तभी हम पढ़ा सकते हैं। तो ये आपका सौभाग्य है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अभी आप कक्षा 10 में हैं, कक्षा 11 में पहुंचेंगे, 12 में पहुंचेंगे, आप स्नातक होंगे, अधिस्नातक होंगे, आप पीएचडी करेंगे, तो ये तब संभव है जब आपकी कक्षा 10 बहुत मजबूती से आपके द्वारा पास की जाए। क्योंकि आप अगर 50% अंकों के साथ अगर आप परीक्षा में पास होते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ सीधा सीधा यह हुआ कि 50% उस कक्षा 10 की गणित की नॉलेज आपके पास नहीं है। आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो तब जाके आप अगली कक्षा के
अगली कक्षा पर आप विशेष ध्यान दे पाओगे, नहीं तो आपका 50% अगर पहले ही फेलियर है तो उस 50% को चैलेंज करने के लिए आगे फिर वो डिस्टर्ब आपको करेगा। आप अपने दिनचर्या बना के टाइम टेबल के साथ आप पढ़ें, क्योंकि हमारे पास पूरे 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप अगर 6 घंटे 8 घंटे भी सोने के हटा दो और 8 घंटे भी और के हटा दो तो 16 घंटे के बाद में 8 घंटे बचते हैं आपके पास। 8 घंटे का प्रयोग आप एजुकेशन के रूप में किस प्रकार करते हैं वो आपके ऊपर है। तो आप कम से कम 8 घंटे नियमित तौर पर अध्ययन करें और ऐसी ही आशा अपेक्षाओं के साथ मुझे विश्वास है आप मेरे वीडियो निरंतर देख रहे हैं और अपने साथी बच्चों को भी जिसके पास ये इंटरनेट या मल्टीमीडिया, उनके पास फोन या टैबलेट या कंप्यूटर नहीं है, उनको आप लोग दिखाते हैं। अपने चाचा ताओ अपने आसपास के जो बच्चे आपने देखने के बाद आप आपके फोन को वहां तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आप शिक्षा की ज्योति को हर ढाणी ढाणी में, हर एक छान के नीचे, हर एक पेड़ के नीचे, जहां पर भी एक व्यक्ति रह रहा है, जहां पर भी हमारा किसान रह रहा है, हमारा जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति रह रहा है, ऐसे बच्चों तक ये क्लास पहुंचे। और इसी कंसेप्ट को लेकर मैंने आपके बीच में ये कोशिश की है और आप जो मैंने बात बताई उसको आप आत्मसात करोगे। आज के इस क्लास में मैं आपसे इतनी ही बात करूंगा और अगली क्लास में मैं आपसे अगला पीरियड लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। मैं निरंतर आपके साथ नई ऊर्जा के साथ आपको ऊर्जा प्रदान करता रहूंगा। आपका